दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह एसी नगर से लाइव हैं फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र। और यहां पर देखिए कांग्रेसी झंडे लहरा रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं नितिन सिंगला का। फरीदाबाद यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, उनका इंतज़ार किया जा रहा है कांग्रेसी झंडे लेकर, क्योंकि यहाँ की कुछ जन समस्याएँ हैं उसको सुनेंगे नितिन सिंगला। लखन सिंगला के बेटे हैं। लखन सिंगला फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर कांग्रेसी नेता हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। और किस तरह से इनका स्वागत किया जाएगा वो भी आपको लाइव दिखाएंगे। देखिए नितिन सिंगला पहुंच चुके हैं, काफ़ी देर से इनका इंतजार किया जा रहा है। अभी कांग्रेस फरीदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और इधर लोग नगाड़े भी बज रहे हैं। बुजुर्गों का, महिलाओं का, सबका आशीर्वाद नितिन सिंगला ले रहे हैं। यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी क्या बोलते हैं वो भी आपको लाइव सुनाया जाएगा। तो अभी पहुँचे हैं नितिन सिंगला हमारे विधानसभा के युवा
तो एक जनसभा है, बच्चे भी देखिए छतों पर खड़े हैं, महिलाएं छतों पर खड़ी हैं और इंतजार कर रहे थे नीतीश कुमार के आने का। अब यहाँ पर स्वागत किया जाएगा, पहले स्वागत किस तरह से होगा? भैया करो स्वागत, करो करो। कांग्रेस पार्टी फूल वाला पहने सिंगला, नितिन सिंगला अहमदाबाद के नारे लग रहे हैं, लोग देखो माला पहना रहे हैं, बुक दे रहे हैं। यहाँ पर लखन सिंगला चुनाव लड़ते हैं, नितिन सिंगला उनके पहले फरीदाबाद यूथ कांग्रेस के जिला देख रहे हैं, करते हैं प्रोग्रामों को। फिलहाल फूल माला से स्वागत कर रहे हैं लोग। देकर स्वागत मेरे सभी युवा साथियों की तरफ से आपके लिए छोटी सी भेंट है। बहुत बहुत कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नितिन सिंगला जिंदाबाद, नेताजी लखन कुमार सिंगला जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, स्वागत एक मिनट भैया, ये का जोश है, ये जोश एक मिनट विधानसभा में ऐसे ही लगातार रखना है। भैया किसान अंकल नमस्ते, नमस्ते किसान गुड्डू भैया, एक मिनट दे दो, बस एक मिनट। क्या प्रोग्राम है आपका, जोरदार यहाँ पर स्वागत किया गया, थोड़ा बताइए। देखिए आज हम लोग जो है, आज हम लोग यहाँ इंदिरा कॉलोनी के बीच में, हमारे एसी नगर में, एसी नगर हम यहाँ एसी नगर में, अभी पीछे इंदिरा कॉलोनी से आ रहा हूँ तो वही था, हम एसी नगर में हमारे घर में पहुँचे हैं और इस चौक पे कई दफा हम यहाँ पे पहले भी मीटिंग कर चुके हैं और हमारे यहाँ पे खटाना अंकल खड़े हैं, हमारे सरदार जी खड़े हैं, हमारी युवा टीम खड़ी है, बूटा सिंह जी हैं, भाई शिवा है, हमारा भाई जाकिर है, जयवीर जी हैं, महेश भाई हैं, दुर्गा जी हैं, राम परवेश जी हैं, हमारी सारी टीम, सारी युवा टीम यहाँ पर उपस्थित है। भाई गुलाब सिंह गुड्डू हैं हमारे, हमारे गुलाटी अंकल हैं यहाँ पर और हम सभी लोग जो है आज हम कॉलोनी की समस्याओं को, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय श्री लखन सिंगला जी को मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य बनाया है और उस मैनिफेस्टो के अंदर जो मांग पत्र है, कांग्रेस पार्टी जो चुनाव से पहले जो मांग पत्र लाना चाहती है, उस मांग पत्र के लिए हम कॉलोनी कॉलोनी घर घर जाकर सारी सिविल सोसाइटी सामाजिक संगठनों के पास जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्या परेशानियां आने वाले समय में, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप कांग्रेस की सरकार से क्या क्या काम अपने चाहते हैं, कॉलोनी के लिए क्या चाहते हैं, वो मांग पत्र में दलवाए जाएं और चुनावों के पूर्ण जब सरकार बने कांग्रेस की तो वो मांग पत्र लागू किया जाए। इन मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। अब हम एक एक करके, आज ये संवाद का कार्यक्रम है, कोई मीटिंग कोई जलसा नहीं है, एक एक करके कॉलोनी के लोगों के पास माइक जाएगा, सभी वर्ग के लोगों की बात उनसे पूछेंगे और उनसे समझेंगे कि उनकी क्या परेशानी है, उन्हें नोट डाउन करा जाएगा और उन सभी परेशानियों को, चाहे किसी की बिजली की है, पानी की है, सीवर की समस्याएं हैं, कॉलोनी में क्या और समस्याएं हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है, क्योंकि 10 सालों में भाजपा ने क्या विकास कार्य किया है एसी नगर का वो तो सबको दिखाई दे रहा है, और क्या है नाले की स्थिति है, क्या कॉलोनी की स्थिति है, हम आखिर उसके बाद बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो आज परिस्थिति बनी है उसके ऊपर बात होगी एक एक करके और कॉलोनी के लोगों के बीच में माइक दिया जाएगा, एक एक करके यहाँ बुलाएंगे। आप अपनी बात को रखें, आदरणीय श्री लखन सिंगला जी के माध्यम से आपके 2019 में भी उम्मीदवार रहे कांग्रेस पार्टी के, आप लोगों ने झोली भर के हमारी भेजी थी, इस बार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है, आप लोगों की मन की बात सुनकर मैनिफेस्टो में वो बात डाली जाए, मांग पत्र में डाली जाए, जो कि कांग्रेस की हरियाणा में जब सरकार बने तो आपकी मांगों के ऊपर
सरकार बनने के बाद ही काम शुरू किए जाएं, तो ये बात आज हम यहाँ रखने आए हैं। अभी बिजली पानी सीवरेज की बहुत समस्या है, बिजली तीन तीन दिन तक यहाँ पर नहीं आती है। देखिए बिजली तीन तीन दिन तक नहीं, देखिए बिजली ऐसा हुआ है गुड्डू भाई। जी जी सर, बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है और पूरे क्षेत्र को, पूरे फरीदाबाद को लवारी स्थिति में छोड़ दिया है। बिजली जा रही है तो कि कोई नगर, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। एसडीओ जी हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आम जनमानस पूरी रात रात परेशान रहते हैं, ना तो ट्रांसफार्मर चलते हैं, ना बिजली आती है, ना सुबह पानी मिलता है पीने का। तो बड़ी परेशानी की व्यवस्थाएं हैं, उन सारी व्यवस्थाओं पे बात करेंगे। भाजपा ने यहाँ पे पिछले 10 साल में क्या क्या काम किए उनकी भी जानकारी इनसे लेंगे, और कांग्रेस से क्या अपेक्षाएं रखते हैं भविष्य में उस पे हम लोग काम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद। प्रोग्राम शुरू कीजिए। तो पब्लिक अपनी समस्याएं बताएगी। देखिए ये सब बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सब यहाँ पर आए हैं और समस्याएं बताएंगे भाई, क्या क्या समस्याएं इनको आ रही हैं, और आगे जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बनाया जाएगा तो इनकी समस्याओं का जिक्र उसमें किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम है, तो जो भी होगा आगे आपको बताएंगे। फिलहाल प्रोग्राम शुरू हो रहा है। बाकी प्रोग्राम का पर्पज क्या था हमने आपको बता दिया। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।